है आपका। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे अमिताभ बच्चन तथा प्रभास दीपिका पादुकोण दिशा पाटनी स्टारर फिल्म प्रोजेक्ट के बारे में जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रहे हैं उसके बारे में। तो दोस्तों आपको बता दूं 12 जनवरी 2024 को ये फिल्म रिलीज होगी। फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन के स्टेज में चली गई है और बहुत ज्यादा हाई VFX वाली ये फिल्म होने वाली है और एक्शन तो ऐसे होने वाले हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। बहुत बड़ी साईफाई मूवी है, बहुत बड़ा बजट है, 500 करोड़ से ज्यादा का बजट है। नागस्वीन फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं और अपने बैनर वैजयंती फिल्म्स के अंतर्गत इस फिल्म को बना रहे हैं। बड़ी स्टारकास्ट है, महानायक अमिताभ बच्चन है, प्रभास है, दीपिका पादुकोण है, दिशा पाटनी है और बहुत बड़े बड़े कलाकारों का जिसमें ज्यादातर साउथ के होंगे उनका एक एक्सटेंडेड कैमियो या छोटा कैमियो देखने को फिल्म में मिलने वाला है। तो बहुत ज्यादा हाइप इस फिल्म की बनी हुई है और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएगी, कमाल मचाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से इसके लुक जारी किए गए हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन का मुक्का दिखाया गया है या फिर प्रभास का जो एक छोटा सा लुक दिखाया गया है, हालांकि चेहरा किसी का नजर नहीं आ रहा है, और दोस्तों दीपिका पादुकोण का भी एक लुक दिखाया गया है, धुंधला टाइप का ये लेकिन दिखाया गया है लुक। तो जिस प्रकार से फिल्म के बारे में जानकारी लगातार निकल करके सामने आ रही है और एक ही पार्ट में नहीं दो पार्ट में बनने की संभावना है फिल्म की। अभी केवल फर्स्ट पार्ट में ये फिल्म बनाई जा रही है, उसके बाद में इसका एक पार्ट और शूट होगा, अभी तक ये खबर सामने आ रही है निकल करके, अभी कंफर्म नहीं है हालांकि मैं आपको पहले बता देता हूँ। और दोस्तों जिस प्रकार से फिल्म को दो दो भाषाओं में तेलुगु में तथा हिंदी में अलग अलग शूट किया गया है वो भी दोस्तों फिल्म को एक अलग दर्जा देता है। अमित जी ने खुद कहा था कि दो दो बार फिल्म की शूटिंग करनी पड़ती है, तो बहुत बड़ी फिल्म है, साईफाई मूवी है। तो मैंने आपके इसको स्टोरी के बारे में थोड़ा सा रिवील किया था कि ये शायद थर्ड वर्ल्ड वॉर पर आधारित इमेजिनरी स्टोरी है, लेकिन दोस्तों अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट इसमें निकल करके सामने आ रही है वो दोस्तों ये है कि प्रोजेक्ट के का मतलब क्या है, मतलब प्रोजेक्ट के में के का क्या मतलब है। तो दोस्तों कहा जा रहा है कि का मतलब कल्कि, यानी कि हमारी जो सनातन परंपरा है, हमारी जो सनातन संस्कृति है, सनातन धर्म है, उसके अनुसार जिस प्रकार से त्रेता में भगवान श्री राम हुए थे और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था, तो उसी प्रकार से कलयुग में कल्कि अवतार होगा, भगवान विष्णु का एक और अवतार होगा जिनका नाम कल्कि भगवान होगा। तो के का मतलब यहाँ पे कल्कि से जोड़ के देखा जा रहा है। तो दोस्तों अगर के का मतलब कल्कि है तो डेफिनेटली ये फिल्म ब्लॉकबस्टर बॉक्स ऑफिस पर होने वाली है, क्योंकि अगर इसमें कल्कि अवतार के बारे में कुछ बताया जाने वाला है कि किस प्रकार से थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है और किस प्रकार से पूरे विश्व में अशांति फैल जाती है और उसको रोकने के लिए किस प्रकार से कल्कि का अवतार होता है, तो अगर प्रभास उस तरह के रोल में और कल्कि भगवान का रोल अगर वो यहाँ पे प्ले करने वाले, उनसे प्रेरित, उनसे इंस्पायर्ड कोई भूमिका करने वाले है, तो फिर दोस्तों ये फिल्म बहुत जबरदस्त कमाल की होने वाली है, क्योंकि ये फिल्म बॉलीवुड वाले नहीं बना रहे, साउथ वाले बना रहे हैं, तो साउथ वाले हमारी संस्कृति से बहुत ज्यादा भली भांति परिचित है और जिस प्रकार से वो हमारी संस्कृति को अपनी फिल्मों में दिखाते हैं वो माइंड ब्लोइंग होता है, सुपर होता है। बॉलीवुड की तरह वो कुछ इसमें प्रोपेगेंडा नहीं करते हैं, तो जबरदस्त तरीके से ये कल्कि अवतार वाली, अगर कल्कि के रोल में प्रभास यहाँ पे नजर आने वाले भगवान कल्कि के रोल में, तो फिर ये मजा आने वाला है। और आपको यहाँ भी बता दूं, मैं ये भी बता दूं कि जो अमिताभ बच्चन का जो रोल है वो दोस्तों अश्वत्थामा, जो महाभारत के बहुत बड़े योद्धा हुए अश्वत्थामा और जिनको भगवान श्री कृष्ण ने शापित किया था कि तुम हमेशा, मतलब कभी तुम्हें मौत नहीं आएगी, तुम हमेशा जिंदा रहोगे, तो वो जो महाभारत के योद्धा अश्वत्थामा उसके रोल में अमिताभ बच्चन यहाँ पर है। अभी तक की रिपोर्ट यही है और उनके लिखा हुआ भी है कि जो इमोर्टल ऐसा कुछ, जब आप उनका जो पोस्टर जारी किया था तो उसमें लिखा हुआ भी है इमोर्टल, मतलब जो नाश नहीं हो सकता, जिसका जो कभी मर नहीं सकता, तो इस तरह का कुछ एक लाइन लिखी हुई, जो पूरी लाइन मुझे याद नहीं, लेकिन इमोर्टल वर्ड का उसमें यूज किया गया है। और इसके अलावा प्रभास में भी लिखा हुआ है कि जो हीरोज होते हैं वो नेवर बोर्न, जो हीरोज होते हैं वो कभी पैदा नहीं होते। तो काफी कुछ अलग तरह की ये फिल्म होने वाली है, बहुत जबरदस्त इसके विजुअल, सिनेमाटोग्राफी, VFX और हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेज इतने बेहतरीन होंगे, पूरे हॉलीवुड से टीम हायर की गई है, तो एक ऐसी फिल्म का इंतजार कीजिए जो आपको डेफिनेटली रोमांचित करने वाली है। दोस्तों आपको इसकी खबर कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और प्रोजेक्ट कैसी आपको कितनी उम्मीदें हैं जो भी आपकी राय हो लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।